beautiful people and huge welcome to another unstoppable, a very very special good evening from Shijibari Idga. यह गुवाहाटी हाथीगांव शिजुवाड़ी ईदगाह, यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑल असम टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है ऑर्गेनाइज बाय शिजुवाड़ी रेडियंट क्लब। तो मैं आया उधर आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही हार्ड हिटिंग हो रहा है वहाँ पे, तो सोचा क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाया जाए, आप लोग भी एंजॉय करो इस फाइनल मैच को। फाइनल मैच चल रहा है आज और यह मैच बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसीलिए होता है, थ्रिलिंग मैच इसीलिए होता है क्योंकि भैया सिर्फ चार ओवर का खेल है और चार ओवर में आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा, विनर भी डिसाइड हो जाएगा। तो बस आपको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा धीरज और पेशेंस रख के पूरा मैच को देखो, एंजॉय करो। तो यार बात ये है कि दिशपुरी इलेवन ने 59 रन बनाया, 36 गेंद में 6 ओवर का खेल था, फाइनल की वजह से 2 ओवर बढ़ा दिया गया था। तो 36 गेंद में 59 मुझे लगता है बहुत ही कम स्कोर है क्योंकि यहाँ पे 4 ओवर में 90 तक बना है, तो 6 ओवर में 59 मुझे लगता है कम है, देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा बॉलिंग करे तो शायद जीत सकते हैं। यहाँ पे टीम डिस्कशन होने के बाद फील्डिंग लगाते हुए दिशपुरी इलेवन मैदान पे भरपूर दर्शक गेम को एंजॉय करते हुए, परफेक्ट यार करो। तो यार मैच शानदार चल रहा है, 2 ओवर के बाद हुआ है 15, 4 ओवर में चाहिए अभी भी 45। क्या लगता है मैच तो बहुत ही थ्रिलिंग हो रहा है, विनर डिसाइड नहीं कर सकते पहले से, 2 ओवर में सिर्फ 15 रन उन्होंने दिया है, तो अच्छा बॉलिंग हो रहा है इसका मतलब।
तो भैया चार ओवर के बाद टोटल स्कोर बना है 34, सिर्फ 12 गेंदे में चाहिए 26। क्या लगता है आपको? तो 11 ओवर नंबर 5 पे आया है, 20 रन सिर्फ चाहिए 6 रन जीतने के लिए। कहा था ना भैया स्कोर बहुत ही कम है, पहले इनिंग्स में बहुत ही कम स्कोर बनाया।